वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी आज आपको छठ व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। दरअसल छठ व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस बार 2 नवंबर 2019 को मनाया जाएगा। यह व्रत पूरे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का ये सबसे बड़ा पर्व है और सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा त्योहार है। और लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं या जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो सब अपना घर में आकर के इसे बहुत विधिवत मनाते हैं। इसमें विशेष तौर पर सूर्य की पूजा होती है। इसका वर्णन महाभारत में भी है। द्रौपदी ने भी इसका व्रत किया था जब पांडव जंगल में दर दर भटक रहे थे, उनका राजपाट छिन गया था, वो बहुत परेशान थे। तो द्रौपदी ने इस व्रत को किया, भगवान सूर्य की आराधना करी, विधिवत पूजन करी, जिसके बाद दोबारा पांडवों को अपना राजपाट, वैभव और मान सम्मान प्राप्त हुआ। दरअसल जब से पृथ्वी बनी है तब से भगवान सूर्य की इस पूजा, इस व्रत के बारे में वर्णन आता है कि पृथ्वी के बनने के बाद ही सूर्य को वरदान के रूप में माना गया और तब से भगवान सूर्य की छठी षष्ठी वाले दिन इसकी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। दरअसल यह व्रत 4 दिन का होता है। यह व्रत 31 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। 31 अक्टूबर को व्रती नहा धोकर के, नवीन वस्त्र पहन करके और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और घर के अन्य सदस्य भी व्रती के खाने के बाद ही भोजन करते हैं। फिर अगला दिन आता है उस दिन खरना बोलते हैं। खरना इस बार 1 नवंबर को है। तो खरना के वाले दिन शाम के समय जो व्रती होते हैं वो गुड़ की खीर बनाते हैं और ढेकुआ यानी घी और आटे से बना पकवान बनाते हैं और फल सब्जियों से पूजा करते हैं और उसी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और लोगों में बांटते हैं। तो इसको बांटने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, जो इसको ग्रहण करते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। फिर इसके बाद 24 घंटे का व्रत रहते हैं। फिर अगले दिन 2 नवंबर को शाम के समय एक टोकरी में या थाल में सारा सामान सजा करके, पकवान है, फल है, सब्जियां हैं और पूजा पाठ का सामान सजा करके लोग सिर में रख के और नदी किनारे जहां या जल होता है वहां पे जाते हैं। शाम के टाइम सूर्य को वहां पे अर्घ देते हैं और समस्त सामान से उनकी पूजा सामग्रियों से पूजा करते हैं। उनपे धूप, चंदन, मौली, हल्दी, सिंदूर, चंदन चावल से उनको पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और ऐसा ही माना गया है कि जो ये फल फूल माला और जो ये सामग्री होती है, मतलब पूजन उसके प्रसाद की जो सामग्री की टोकरी होती है, इसे जो व्यक्ति मतलब सर में रख के और ले जाता है उसे भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति व्रती का वस्त्र धोता है उसे भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये छठ वाले दिन शाम को पूजा हो गई, सूर्य को अर्घ दे दिया, उनकी विधिवत पूजा कर ली और कुछ लोग शाम को वहां से लौटने के बाद विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। गन्ने में जाकर के इस सारे प्रसाद को रखते हैं और वहां पे उनकी पूजा करते हैं। तो अगले दिन सुबह सप्तमी वाले दिन भी जिस तरह षष्ठी वाले दिन शाम को सूर्य को अर्घ दे करके पूजा की गई, दरअसल जो इसमें पूजा की जाती है तो पानी में जाकर के पानी में आदमी जाता है और पानी में अच्छी तरह से डूब जा, मतलब कमर तक पानी आ जाए, ऐसा हो डूबता नहीं है, कमर तक पानी आ जाए, उसके बाद जाकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इस चीज का विशेष ध्यान दें। तो अगले दिन सप्तमी वाले दिन भी सुबह इसी तरह पूजन करके जैसे षष्ठी वाले दिन आपने किया था, इसी तरह पूजन करके उसके बाद फिर व्रत को समाप्त किया जाता है, लोगों को प्रसाद बांटा जाता है और यही इसकी विधि है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।